जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रैलियों में चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी के तहत जिला फिरोजपुर में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिरोजपुर देहाती से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्कार कौर गैरी और हल्का गुरसहाय से कांग्रेस के उम्मीदवार राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के हक में चुनावी प्रचार करते हुए रैलियों को संबोधित किया और विरोधी पार्टियों पर भी जमकर बरसे। फिरोजपुर छावनी की दाना मंडी में हल्का देहाती की रैली को संबोधित करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में आज किसान खुदकुशी कर रहा है। अगर किसानों के बारे में अभी से ना सोचा गया तो आने वाले समय में पंजाब की किसानी और कृषि के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने रैली में कांग्रेस की सरकार बनने पर कुर्ज कुर्की, मोबाइल फोन, नौकरियां देने जैसी स्कीमों के बारे में भी बताया। तो जाएं फिर उनको कौन रोक सकता है, कोई भी जहां जाना चाह रहे हैं। दोनों नौ नुक्ते देते हैं और बराबर चलेंगे, सब करप्शन भी खत्म होगी, चिट्टा ड्रग्स भी खत्म होंगे, नौकरियां भी प्रबंध, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सब कुछ इकट्ठा ही होगा। फिरोजपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।